सुप्रभात बच्चों, क्लास 9 के बच्चों को पिछले वीडियो में इस जल प्रलय में यहाँ तक पढ़ाया जा चुका था। उसके आगे अब देखिए, रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। ये कभी कह रहे हैं कि रिक्शा वाला तो हमसे ज़्यादा बहादुर है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करेंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। रिक्शा वाला जब आगे जाने के लिए कह रहा था कभी से, तो रिक्शा एक भीड़ का एक आदमी बोला रिक्शा वाले से कि करेंट बहुत तेज है, यानी पानी की धार जो है करेंट की तरह है, बहुत तेज गति से बढ़ता आ रहा है, इसलिए उधर मत जाओ। रिक्शा मोड़ कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। रिक्शा वाले को घुमाकर और कवि और कवि मित्र जो हैं कहाँ पहुँचे, गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरेनियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ जो पहली बार जो देख रहे थे कभी, तो ये डर रहे थे क्योंकि वो बाढ़ का सामना नहीं किए थे, लेकिन ये पटना के जो लोग हैं, पटना के जो लोग जो बाढ़ का सामना कई बार कर चुके हैं, देखिए आप सितंबर अक्टूबर में भी बाढ़ का सामना फिलहाल किया, उसी तरह वो झेल चुके हैं, तो वो किसी व्यक्ति के पास डर नाम की चीज़ है ही नहीं, और वो बाढ़ आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामलीला की तरह जिस तरह दशहरा में भीड़ रहती है, उसी तरह ये बाढ़ को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं, उससे कम नहीं थी। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। यहाँ जो है सब जगह का नाम है आनंद, गांधी मैदान, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियाँ, सारी यादें पर धीरे धीरे गैरिक, गैरिक मतलब हुआ गेरुए रंग का, आच्छादित मतलब छाया हुआ है, सब गेरुए रंग का पानी जो है सभी जगह जलमग्न, सब जगह जलमग्न हो रहा है। हरियाली पर सनय सनय, यानी हरियाली जो हरी घास का मैदान पर सनय सनय यानी धीरे धीरे पानी फिरते देखते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। कभी इस तरह का पानी, हरियाली पर धीरे धीरे पानी फिरते पहली बार देख रहे हैं। इसी बीच एक अधेर मुस्तंड और गवार जोर जोर से बोल उठा। इस दृश्य को देखते हुए एक गवार जो अनपढ़ व्यक्ति अधेर उम्र का था वो बोल उठा, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए, अब बुझो। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसके मन में ईर्ष्या की भावना थी, जो ये कह रहा है कि दानापुर जो पटना के नज़दीक है वो डूब रहा था तो पटनिया बाबू देखने, पटना के लोग देखने नहीं आए, अब झेलो, यानी अब दुख का सामना करो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, लेखक ने अपने मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यानी जो अधेर उम्र के जो एक लोग इस तरह की बात बोलें उन्हें पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी। आम आदमी यानी लोग, समाज के लोग, जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। साहित्यिक गोष्ठियों का मतलब हुआ कवि सम्मेलन, जहाँ कवियों की भीड़ लगी रहती है, सम्मेलन होता है, वहाँ इसी तरह की बातें होती है, और साहित्य में ये लाइन भी जुड़ जाती है। तो उसके वक्तव्य में, उसके बोली में दानापुर के बदले, यानी जो आम आदमी जो अधेर उम्र का था वो बोला कि पटना वाले लोग दानापुर को देखने नहीं आए थे, तो कवि कह रहे हैं, कवि कहने का भाव हुआ कि दानापुर के बदले कोई अन्य जगह, बिहार अथवा कोई बाढ़ ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र वहां जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, जहां जानते हैं रेडियो स्टेशन से जहां से समाचार प्रसारित होता है, पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे।
पटना केंद्र से स्थानीय समाचार जहाँ प्रसारित जहाँ से होता है, दूरदर्शन केंद्र जो पटना का है वहाँ से समाचार प्रसारित हो रहा था, सुनाया जा रहा था और सब लोग चुपचाप उत्कर्ण यानी जानने की इच्छा से सब शांत होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, जहां रेडियो स्टेशन है वहां की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। यहां तक समझ ही गए होंगे, अब आगे चलते हैं। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। लेखक का कलेजा दहल रहा था, धड़क उठा था और उनके मित्र जो थे उनके चेहरे पर भी आतंक मतलब भय की रेखा उभरी नजर आ रही थी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। लेकिन तुरंत जो थे कवि जो थे वो अपने चेहरे पर मुस्कान ला दिए। ऐसा क्यों उन्होंने किया? क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। वहाँ के जितने सब पटना के सब लोग थे वो कभी किन्हीं के चेहरे पे उदासी नाम की चीज़ नहीं थी, इसीलिए वो भी देखावटी खुशी करने लगे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, और ज़्यादा उत्साहित थे और ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। हड़बड़ी कहाँ थी? दुकानों में, क्योंकि उसके सामान की क्षति होती। यहाँ हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा टमटम ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे, खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान बालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न संकट का मतलब हुआ आने वाला जो सामने में जो संकट है उससे कोई आतंकित, कोई भय, कोई डरा हुआ सामा हुआ सा नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी, यानी पान वाले के दुकान के सामने एक बड़ा सा आदम कद यानी आदमी के बराबर एक आईना लगी हुई थी। उस आईने में हाँ, तो पान वाले के आदम कद यानी बहुत बड़े आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो उस उनकी सूरतें जो है मुहर्रमी, मुहर्रमी का मतलब हुआ ईद का होता है उल्टा मुहर्रम, मुहर्रम जो है शोक का प्रतीक है, तो सबसे ज़्यादा दुखी उन्हीं का चेहरा लग रहा था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुझ दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, एक बार डूब ही जाए। वो सब मजाक में जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि एक बार पृथ्वी भ्रष्ट ध्वस्त हो जाए, उसी तरह से कह रहे हैं कि एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटी की तरह पटना लापता न हो जाए। धनुष कोटी एक जगह का नाम है जो लापता हो गया था, उसी तरह कहीं पटना न लापता हो जाए। वहाँ की जनता सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब देखिए सब पाप धुल जाएगा यानी जो किया धरा पाप है सब धुल जाएगा, चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी वा माल। ये सब पटना के की जनता सब यहाँ आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं चलिए ताश खेलेंगे कहाँ पे जाके, इनकम टैक्स वालों के जाकर कहीं बिल्डिंग गोलघर के बिस्कोमान के बिल्डिंग पर जाके खेलेंगे, जो ये सब जो कमाया है जो काला धंधा उसकी आज बेइज्जती करवानी है, यही सब सोचकर और सब कर रहे हैं आपस में बातचीत। आज यहीं तक, आगे फिर पढ़ाया जाएगा।